अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो मुल्क तो छोटा सा है लेकिन इसकी करेंसी दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है। इस मुल्क के बारे में कहा जाता है स्मॉल कंट्री बिग हार्ट। दौलत की फरावानी के बावजूद यहाँ के लोगों में अपने कल्चर से मोहब्बत देखने को मिलती है। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं कुवैत की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुवैत का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए बंद है या खुल चुके हैं, कुवैत की हिस्ट्री क्या है, कुवैत कैसा कंट्री है, इसके अलावा बहुत से हकायक जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब वीडियो का आगाज करते हैं। कुवैत, जिसका पूरा नाम स्टेट ऑफ कुवैत और अरबी में पूरा नाम दौलतुल कुवैत है, 17,818 मुरब्बा किलोमीटर तक फैला हुआ यह मुल्क रकबे के लिहाज से 152वां बड़ा मुल्क है। इसकी कुल आबादी 42 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये 140वें नंबर पर आता है। आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं कि 42 लाख की आबादी में सिर्फ 30% के करीब लोग कुवैत के असली शहरी हैं, और जबकि बाकी 70% लोग पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया के अलग मुल्कों से ताल्लुक रखते हैं। यानी 42 लाख में से सिर्फ 13 लाख कुवैती हैं और बाकी 29 लाख लोग दूसरे मुल्कों से हैं। कुवैती वाहद ऐसे लोग हैं जो अपने ही मुल्क में माइनॉरिटी में हैं। कुवैत के लोगों का मज़हब इस्लाम है और इसके अलावा दूसरे मज़हब के लोग भी आबाद हैं। रमज़ान में पब्लिक प्लेसेस में खाना पीना और ऊंची आवाज़ में गाने लगाना सख्ती से ममनू है। ऑयल के ज़ाहिर में कुवैत 5वां बड़ा मुल्क है और एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 अरब टन के करीब तेल के ज़ाहिर मौजूद हैं जो दुनिया के कुल ज़ाहिर का 15% बनते हैं। जब समुंदर के पानी को फिल्ट्रेशन के अमल से गुजार कर इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। कुवैत के अगर बॉर्डर की बात करें तो कुवैत के शमाल मगरिब में इराक, जनूब में सऊदी अरब और मशरिक में हलीज फारस वाक़ है। कुवैत सिटी कुवैत का दारुल हुकूमत है और ये कुवैत का सबसे बड़ा शहर भी है। अगर हम बात करें कुवैत की तारीख की तो सिकंदर आजम ने यहाँ 4वीं सदी में हुकूमत कायम की और ये मुल्क यूनान के अंडर आता था। आज भी कुवैत में यूनानी दौर के बुतों के टेंपल मौजूद हैं। उसके बाद ये इलाका 200 ईस्वी में ईरान के अंडर आता था जिसे पर्शियन एम्पायर भी कहते हैं। जब 600 ईस्वी में इस्लाम आया तो इसके बाद ये मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया। यहाँ जिसने भी हुकूमत की इस इलाके को तजारत के लिए इस्तेमाल किया। माजी करीब में इस मुल्क की बंदरगाह यूरोप के कंट्रोल में रही। ये कंट्रोल 1913 को सल्तनत उस्मानिया को दे दिया गया और सल्तनत उस्मानिया ने अपने गवर्नर इस एरिया में लगा दिए। 1938 में यहाँ तेल के ज़हायर दरियाफ्त हुए। जब बरतानिया को तेल के ज़हायर दरियाफ्त का पता चला तो दोबारा कुवैत पर कब्जा कर लिया। ये कब्जा 1961 तक रहा और इस तरह कुवैत 19 जून 1961 में आज़ाद हुआ। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अपनी आज़ादी का दिन 19 जून से तब्दील करके 25 फरवरी कर लिया। इसकी वजह यह थी कि इस मुल्क में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और जून का महीना गर्म तरीन महीना है, इसलिए इसको फरवरी में रख लिया। 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया जिससे गल्फ वॉर का आगाज़ हुआ। अमेरिका ने कुवैत का साथ दिया और कुवैत को बचा लिया। अगर आज के दौर में कुवैत को देखें तो ये एक तरक्की याफ्ता और मजबूत तरीन मुल्क है। इनकी मईशत का दारोमदार 95% तेल पर है और करेंसी की अगर बात करें तो इनकी करेंसी दिनार है। एक कुवैती दिनार आज के दिन 930 रुपये पाकिस्तानी रुपये के बराबर है और इंडियन 269 रुपये के बराबर है। इस मुल्क में ज़्यादातर इनडोर एक्टिविटी होती हैं। इनका एक मशहूर मॉल है जिसे एवेन्यू मॉल कहते हैं जो नहायत खूबसूरत बनाया गया है। अगर पूरा मॉल फिरना चाहें तो आधा दिन लग सकता है। ये पूरा मॉल कुदरती रोशनी के साथ डिजाइन किया गया है। इसके अलावा कुवैत में 23वें नंबर का बुलंद तरीन टावर भी मौजूद है जिसके तकरीबन 80 फ्लोर हैं, जिसको मुकम्मल करने में 6 साल लग गए थे। कुवैत में एक यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। इस मुल्क में मर्दों की तादाद औरतों की तादाद से ज्यादा है। कुवैत में हर आदमी के पास अपनी गाड़ी है, इसलिए यहाँ ट्रेन का निज़ाम मौजूद नहीं।
कुवैत वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। मुल्क का मौजूदा अमीर नवाफ अल अहमद अल जब्बार अल सबा है और ये 2020 से अब तक यही अमीर हैं। यहाँ के शेख लग्जरी लाइफस्टाइल से जिंदगी गुजारते हैं, जिसमें लग्जरी गाड़ियाँ और लग्जरी घर भी बनाते हैं। दूसरे अरब मुल्क की तरह ये भी ऊँटों की रेस को पसंद करते हैं। कुछ अरसा इन्होंने ऊँटों पर बच्चे बिठाते थे, लेकिन जब अमवात होना शुरू हुई तो इन्होंने रोबोट बिठाना शुरू कर दिए। कुवैत के बीच पर आपको दूसरे अरब ममालिक की तरह फहाशी नहीं मिलेगी और इसके अलावा यहाँ शराब पीना और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी है। कुवैत इस वक्त टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और दुनिया के बेहतरीन रोबोट्स भी कुवैत में बनाए जा रहे हैं। दुनिया का पहला रोबोट ने किया हुआ लीवर ट्रांसप्लांट भी कुवैत के हॉस्पिटल में किया गया और इस हॉस्पिटल का नाम किंग फैसल हॉस्पिटल है। सरकारी नौकरियां सिर्फ कुवैत के नेशनल हासिल कर सकते हैं, बाकी दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग प्राइवेट जॉब्स या मजदूरी कर सकते हैं। ये मुल्क अपनी जरूरियाते जिंदगी की तमाम अशिया बाहर से इंपोर्ट करते हैं। कुवैती लोग गोश्त खाना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर कुवैत के मशहूर खानों की बात की जाए तो इसमें हरीस जो रमजान में ज्यादा खाया जाता है, उसके अलावा जरीश जो गंदम और मसालों से तैयार किया जाता है, मकबूस लहम जिसे बासमती चावल और गोश्त के साथ खाया जाता है और ये गोश्त बहुत ही नरम और लजीज होता है। इसके अलावा मुताबक समक या जुबैदी भी कहते हैं, ये मछली और मसाले वाले चावलों के साथ खाते हैं। मगलूबा इनका गोश्त और चावलों का एक केक होता है जिसे मुख्तलिफ तह की शक्ल में बनाया जाता है। और आहर में मंदी लहम जो अरब ममालिक की मशहूर तरीन डिश है जो सबसे ज्यादा खाई जाती है। इसके अलावा फलाफिल है जो एक रोल सैंडविच की तरह होता है। अब हम बात करेंगे वीजा से मुतालिक। बहुत अरसा से पाकिस्तानियों को कुवैत का वीजा देने पर पाबंदी थी, लेकिन कुछ अरसा पहले वीजा ओपन कर दिया गया है। आजकल मेडिकल से रिलेटेड स्टाफ को वीजा फ्री दिया जा रहा है जो इनकी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरता है। और अगर आजाद वीजे की बात करें तो वो इस वक्त 35 लाख के करीब है और टिकट वगैरह डालकर ये खर्चा 40 लाख तक पहुंच जाता है। ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।